धार जिले के धर्मपुरी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शरारती तत्वों के दल ने एक कुत्ते के परिवार पर पत्थरों से जानलेवा हमला करते हुए दिखाई दे रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक कुत्ते के बच्चे की बुरी तरह मौत हो गई, वहीं एक कुत्ते का बच्चा घायल हुआ है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नगर के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता राहुल और रामेश्वर के साथ में अन्य युवा मौके पर पहुंचे। मौके पर ये युवाओं को एक कुत्ते का बच्चा मृत अवस्था में मिला, वहीं एक घायल अवस्था में घायल कुत्ते के बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। घायल कुत्ते के बच्चे का उपचार कराकर उसे राहुल ने अपने घर पर उपचार के लिए रखा है। इस मामले में समाज सेवी रामेश्वर के द्वारा धर्मपुरी थाने पर शिकायत की गई। वहीं वीडियो के आधार पर और रामेश्वर की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही शुरू कर दी है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। सर, एक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ, क्या कुछ मामला सर? कस्बे में आवारा जो शरारती तत्व हैं उनने एक अनोखा मामला आया है, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें कुछ लोगों ने, जिनमें बच्चे हैं, उनने एक कुत्ते के बच्चे को पत्थरों से मारा है, जिस पर अपराध दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम कराया गया है और विधि अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ धारा मामला दर्ज हुआ सर? ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। इसका संदेश ये है कि प्राणी मात्र पे लोगों को दया रखना चाहिए और खेल खेल में किसी की, पशुओं की, किसी भी जीव की दया हत्या करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्या नाम है? राहुल कुशराम। राहुल जी, मुझे बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज करवाया आपके संगठन के द्वारा, क्या कुछ मामला था? एक कुत्ते के 3 बच्चों को बुरी तरह से पत्थर से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें 2 बच्चों की लाश को पानी में बहा दिया गया एवं एक बच्चे की लाश हमको मिली एवं एक बहुत ही घायल अवस्था में हमें हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं को मिला, जिसका इलाज हमने करवाया। हमारे रामेश्वर जी राठौड़ द्वारा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थाने पर। साथ ही कैसे संज्ञान में आया कि कुत्ते बच्चों को मारा गया है? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस माध्यम से हमको संज्ञान में आया और हमने इसको तुरंत कार्रवाई के लिए उसका बीएम वगैरह भी करवाया है। जी, उसका पोस्टमार्टम प्रज्ञा मैम द्वारा किया गया, पशु चिकित्सक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।